जब किसी ने हमें दिल से दुखाया है तो समय हमारे उत्तर की गहराइयों में हमारी सच्चाई को उजागर करता है। चुप रहना भी एक प्रकार का जवाब हो सकता है जो समय के साथ अपनी महत्वपूर्णता बढ़ाता है। जीवन की बड़ी सीख यही है कि हमें कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी हमें किसी भी समय भारी पड़ सकता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है, हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। अकेला इंसान कभी भी अपनी ताकत को नकारात्मक में नहीं बदल सकता, बल्कि उसमें छुपी अद्भुतता को पहचान कर वह अपने अंदर के अनगिनत स्वभावों का सामना कर सकता है। मेरे दोस्त, सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता है। जैसे गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। वैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख आएगा। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, बल्कि वह इंसान अंदर ही अंदर दर्द छुपाकर ज़िंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यह कोई साथ नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कुछ इस तरह से युद्ध करना सीखो, जो लिखा ही नहीं मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब होते हैं। अक्सर अकेले पन से वही गुजरा है जो जिंदगी के सही फैसलों को चुनता है। कर्म का फल तो मुझ पर छोड़ दो, कर्म में मगन हो जाओ और अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाओ। इसका मतलब है कि हमें भले ही परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल अपने कर्म में विश्वास और समर्पण से जुट जाना चाहिए। जब हम अपने दुखी समय में होते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि जीवन का हर एक पल एक अवसर है। यह समय भी गुजर जाएगा और सफलता का सफर भी फिर से शुरू होगा। पानी में गिरने से मौत नहीं होती है, मौत तो तभी होती है जब तैरना नहीं आता है। जीवन में अच्छे बुरे हालात तो आते रहते हैं। कोई भी हालात समस्या तभी बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता है। इसीलिए फिक्र किए बिना रास्ता ढूंढिए। असंभव वह नहीं जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह है जो हम करना नहीं चाहते। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता है। कहीं कहीं होटल में अच्छा खाना खाओगे तो उसका बिल जरूर आएगा। अगर आज समय बर्बाद करोगे तो भविष्य में उसका भी बिल आएगा, और बिल आपको जीवन भर चुकाना पड़ेगा। इसीलिए आज इतनी अति मत करो कि आगे जीवन भर रो रो कर बिल चुकाना पड़े। शिक्षा अगर किसी निम्न स्तरीय व्यक्ति से मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो इंसान आलसी होता है, ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक कामयाब इंसान के पास भी उतना ही समय होता है जितना कि आपके पास होता है। कुछ पाना है
तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, लेकिन साथ छोड़ ही जाते हैं। षड्यंत्र और अनिति से प्राप्त हर सुख व्यक्ति को भय और अस्थिरता की तरफ ले जाता है। किसी की आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देना है। हृदय की व्याकुलता तब और भी बढ़ जाती है जब मन में दर्द चल रहा हो। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। अगर दुनिया विश्वास पर चलती तो किसी के दरवाजे पर ताला नहीं होता। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर चेहरे की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। इसीलिए कर्म हमेशा अच्छे करो और दिल साफ रखो।